हेलो हेलो। तो एक बार चेक करिए तो आवाज जा रहे हैं ना लाइव क्लास में। हेलो हेलो। देखिए, आपका यूएनओ चल रहा था और भाई जो लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं वो लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं। भाई बता दिया जाए, क्लास चलते समय तो मैं नहीं देखता कौन क्या कमेंट कर रहा है या कौन क्या पूछ रहा है, लेकिन बाद में एक बार हम भी भाई सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है। अगर पूछा गया रहता है तो उसको दूसरे दिन जवाब दिया जाता है। ऐसी दशा में आपका मैंने काफ़ी खुशी या हर्ष की बात है कि आपका हजारों लोग यानी कि 15-20 हज़ार लोग आपका वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि आप जितनी बातें बताते हैं ये सभी बातें आपका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ चुका है। तो भाई मेन ये है कि आप एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, किस मॉडल से आपका क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बना है ये आपका लगातार हम बता रहे हैं और कुछ नए मॉडल भी बता रहे हैं। वो कैमरा वो नीचे है ना तो आपका बाल भी दिखाई देगा। ठीक है, अब ये आपका और काफ़ी क्वेश्चन मैंने जो अभी तो शुरुआत ही की गई है और लगभग आपका 15 में से 14 क्वेश्चन मिल रहा है, यानी कि अगर किसी में 15 क्वेश्चन आता है तो लगभग 14 क्वेश्चन अब तक जो पढ़ाया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भाई मिल रहा है। एक क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं ले सकता। आइए फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ चार्टर, हाँ यूएनओ चार्टर देखा जाए, यूएनओ चार्टर का फिर आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 से 8 तक एकदम रट्टा होना चाहिए। पिछली बार मिलाने के लिए भी आया था। अनुच्छेद 1 में आपका पर्पज या उद्देश्य दिया गया है, अनुच्छेद 2 में आपका प्रिंसिपल या सिद्धांत है, ये हम बता चुके हैं। अनुच्छेद आपका 3 में ओरिजिनल मेंबर यानी कि मूल सदस्य हैं। आर्टिकल 4 में न्यू मेंबर या नए सदस्यों का प्रवेश है। आर्टिकल आपका 5 में आपका सदस्यों का सस्पेंड किया जाना यानी कि निलंबन है। 6 में निष्कासन है। 7 में पार्ट या अंग दिया गया है और 8 में आपका स्त्री और पुरुष की समानता की बात की गई है। तो देखिए इसमें आपका कहाँ तक अभी तक पढ़ाया गया है उसी के आगे हमें बढ़ना है। अब तक मैं आपका आर्टिकल 3 तक डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, मूल सदस्य, और कल भी बताया गया था कि भाई मूल सदस्य कितने थे यूएनओ के, तो ये क्वेश्चन लगातार बताया जा रहा है 51 यानी कि 51 यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मूल सदस्य संख्या थी वह कितनी थी अगर कोई पूछ ले तो आपका जवाब रहेगा 51। ये आपका अगला अनुच्छेद आइए। अगला जो हमें अनुच्छेद पढ़ना है वह अनुच्छेद आपका चार्टर का 4 पढ़ना है। अनुच्छेद 4 ये बताता है कि नए सदस्यों का प्रवेश, नए सदस्यों का यूएनओ में प्रवेश कैसे होगा यानी कि इंट्री कैसे होगी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, देखिए ध्यान से। अगर किसी राज्य को आपका
यूएनओ का नया सदस्य बनाना है तो ये कैसे बनाया जाएगा? तो पहला जो वाक्य आएगा आपका दे देगा सुरक्षा परिषद के द्वारा, फिर आपका दे देगा महासभा के द्वारा, फिर दे देगा महासचिव के द्वारा, और फिर एक बार अंत में देगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। तो आपका किसी भी राज्य को अगर यूएनओ का मेंबर नया बनाना है तो उसे कैसे बनाया जाता है? तो बस एक लाइन तो पहले याद रखिए कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर आपका जनरल असेंबली द्वारा, ये पहला लाइन याद होना चाहिए। अब आपका दोनों संस्थाओं को देखा जाए, आपका सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर हैं अभी बताना भी है, आपका 15 मेंबर हैं जिसमें कि 5 अस्थाई हैं, यानी कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15, और अस्थाई उसमें कितने हैं? 5। और महासभा में वर्तमान समय में 193 सदस्य हैं, जो इसी में बताया जाएगा नए सदस्य, 193 सदस्य हैं। तो अगर किसी देश, अगर कोई देश ये चाहता है कि हम यूएनओ का मेंबर बने तो क्या प्रोसीजर है? तो वह एक भाई एप्लीकेशन दे, यानी कि आवेदन दे, तो उस आवेदन पर वोटिंग होगी। सबसे पहले कहाँ आपका वोटिंग होगी, किस संस्था में? तो सुरक्षा परिषद में। अब यहीं सतर्क रहना है, देखिए अब मॉडल नया नया कैसे बन रहा है। सुरक्षा परिषद में इस विषय पर बता दिया जाए आपका वोटिंग होगी, और सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यों के आपका वोटिंग में 9 सदस्यों का सकारात्मक मत, यानी कि पॉजिटिव मत होना चाहिए, यानी कि 15 में से 9 सदस्य इस बात पर रजामंद होने चाहिए कि इस देश को मेंबर बनाया जाए। और ये जो 9 सदस्य मैं बता रहा हूँ, इसमें भी आपको एक और बात सतर्क रहना है, और वह ये बात सतर्क रहना है कि इन 9 सदस्यों में जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उनका भी पॉजिटिव या सकारात्मक मत चाहिए, यानी कि 15 में पहले 9, और जो 9 सदस्य पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं इसमें से जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उनका भी सकारात्मक मत चाहिए, यानी कि इस 9 में 5 अस्थाई सदस्य भी शामिल हैं, यानी कि 5 अस्थाई सदस्य और 4 अन्य सदस्य, तो टोटल कितने? 9। यानी कि 15 में टोटल अब कितने हो गए? 9। तो अब सुरक्षा परिषद ये प्रपोजल या प्रस्ताव पास कर देती है, और पास करने के बाद सुरक्षा परिषद इस प्रस्ताव को आपका महासभा को भेजती है, जनरल असेंबली को भेजती है। अब जनरल असेंबली में पास कराइए तो जो महासभा है वह आपका पास करेगी इस प्रस्ताव को, और कैसे पास करेगी? तो बस एक लाइन याद रखिएगा, उपस्थित और मत देने वालों के, यानी कि जो प्रेजेंट मेंबर हैं महासभा में और जो वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3, यानी कि महासभा कितने से पास करे, उपस्थित और मत देने वालों के कितने से? 2/3 से। तब कोई राज्य जाकर, तब कोई स्टेट जाकर आपका यूएनओ का नया मेंबर बनता है। अब यहाँ देखिए, नहीं तो आपका 5 अस्थाई हो गया तो 4 ही तो और बचे, तो जो अस्थाई सदस्य हैं वो कितने? कम से कम 4, तो 5 अस्थाई तो आवश्यक ही हैं। अब इसी बिंदु पर एक नया क्वेश्चन बनता है, देखिए वर्तमान में जो बन रहा है कि किसी देश को
सुरक्षा परिषद में शामिल करने नहीं, किसी देश को महासभा का सदस्य बनाने की आपका एक्चुअल पावर किस में है, वास्तविक शक्ति किस में है? तो ये आपका अगर एक्चुअल पावर, जैसे ही एक्चुअल पावर दे तो आपका एक्चुअल पावर किस में है, तो इन पांच अस्थाई सदस्यों में। क्यों है? क्योंकि इनको बीटो का हक है, बीटो यानी कि निगेटिव वोटिंग, नकारात्मक मत का हक है, और पांच में अगर एक भी प्रस्ताव का विरोध कर देता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। यानी कि पांच सदस्य ही ये डिसाइड करते हैं, जो परपिचुअल या स्थाई है, कि किसको सदस्य बनाया जाए किसको नहीं। और तो खाना पूर्ति है, यानी कि एक्चुअल पावर पूछे तो क्या मारेंगे, किस में है? पांच अस्थाई सदस्यों में। अब सेम नियम याद रखिए, अब सेम नियम लागू होगा। ये आर्टिकल चार में जो नियम था, अगर किसी देश को निष्कासित करना है यानी निलंबित करना है यूएनओ से, तो आर्टिकल फाइव में सेम नियम है। अगर किसी देश को निष्कासित भी करना है तो यही इसी तरह प्रस्ताव क्या होगा, पास होगा। अब क्वेश्चन देखा जाए भाई, आपका यूपीजे में जो क्वेश्चन बना था वह ये बना था कि जो आपका महासचिव होते हैं यानी कि सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूएनओ के, बताया जाएगा जल्दी आपका अभी तो ये हो जाए, इसके बाद पहले महासभा फिर और बताया जाएगा। तो आपका महासचिव की नियुक्ति का एक्चुअल पावर पूछा था, वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो बस एक लाइन आपका जवाब होना चाहिए, वह निहित है पांच अस्थाई सदस्यों में। क्यों? क्योंकि एक भी अगर नकारात्मक मत दे दिया तो वह व्यक्ति महासचिव नहीं बन पाएगा। यानी कि ये पांच की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे हम बताएंगे भी। अब ये आया कि भाई किसी देश को, अब यहाँ आपका एक दो और पॉइंट जानना है। अब नए सदस्यों का प्रवेश किया जाता है तो अब आपका जो सतर्क रहना है, देखिए आपका क्वेश्चन का मॉडल, मूल सदस्य तो भाई 51 थे, यानी कि मूल सदस्य संख्या कितनी थी, 51, और वर्तमान में जो सदस्य हैं 193 यूएनओ के मेंबर हैं, अर्थात 51 के बाद जो है वह बाद में अनुच्छेद 3 के तहत आपका यूएनओ में शामिल, अनुच्छेद 4 के तहत यूएनओ में शामिल किए गए हैं। तो इसमें जो पूछा जाता है, जो लास्ट के चार पांच रहते हैं, हम लिखवाएंगे भी, वह जरूर याद रखना है, जो लास्ट के चार पांच देश मेंबर रहते हैं आपका, उन्हीं का पूछा जाता है। और दो देश आपका वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग का मतलब ये हुआ कि अभी कह सकते हैं कि यूएनओ के सदस्य बने नहीं हैं, लेकिन यूएनओ का सदस्य बनने के लिए अप्लीकेशन जरूर दिए हैं और अभी यूएनओ उन पर विचार कर रहा है। तो देखिए जो लेटेस्ट आपका चार पांच देश हैं 193 के पीछे, उनको जरूर याद रखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी एक बार बना है। तो 189वां देश जो था वह आपका तुवालू था, फिर हम लिखवा देंगे इसको। 189वां देश कौन था यूएनओ का? तुवालू था। 190 वाला देश कौन था क्रम में? स्विट्जरलैंड था। फिर 191 पूर्वी तिमोर था, यानी कि ईस्ट तिमोर था। फिर 192 आपका मोंटेनेग्रो था। 193 दक्षिणी सूडान था। 193 हैं अभी, दो ने अप्लीकेशन दे रखा है, और वह जो देश हैं दो आपका जब बनेंगे तो क्रम से बनेंगे, आपका 194 नंबर पर बनेगा तो बनेगा आपका वेटिकन सिटी, ने अप्लीकेशन दे रखा है, और एक
फिलिस्तीन ने दे रखा है, लेकिन अभी ये बन नहीं पाए हैं, अभी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, अतः ये वेटिंग में है। यानी कि जैसे कि आपका देख सकते हैं वेटिंग इन पीएम, तो बताइए भारत में वेटिंग इन पीएम में कौन है? तो तमाम आपका नाम चल रहा है, उधर नीतीश कुमार जी दहाड़ मार रहे हैं और इधर योगी जी दहाड़ मार रहे हैं, तो तमाम लोग तो हैं वेटिंग में। तो वेटिंग में कौन देश हैं? दो तो याद रखिए, वेटिकन सिटी, और दूसरा कौन है? फिलिस्तीन। अगला देखिए भाई आपका, अब इसके बाद से आपका आर्टिकल 5 आना है, फिर आर्टिकल 6 आना है। तो देखिए आर्टिकल 5 में ये कहा गया है कि किसी आपका यूएनओ के किसी सदस्य देश को सस्पेंड किया जाना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई देश है तो क्या उस देश को आपका निलंबित किया जा सकता है कि नहीं? जब आप उत्तराखंड पुलिस एक्ट आज पढ़ेंगे उसमें भी आपको बताया जाएगा कि सस्पेंड का मतलब क्या होता है, लेकिन पहले तो हम कहां से आपका देख लें? यूएनओ से। तो क्या यूएनओ के किसी सदस्य को आपका सस्पेंड किया जा सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, किस आर्टिकल के तहत? तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 5 के तहत। आपका कह सकते हैं और कैसे उनको सस्पेंड किया जाएगा, तो फिर वही कहानी जो हमने 4 में अनुच्छेद बताया, वही कहानी आपका 5 में लागू होगी। देखिए अगर पूछा जाए कि कैसे आपका सस्पेंड किया जाएगा, तो पहला लाइन ये वाक्य देखिएगा कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। फिर अगर पूछे कि एक्चुअल पावर सस्पेंड करने की किसकी है, तो एक्चुअल पावर आपका सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्यों में है। फिर आपका अगर पूछे कि कैसे प्रस्ताव पास होगा, मान लीजिए आगे बढ़ता रहे नए नए क्वेश्चन, तो आपका सुरक्षा परिषद के कितने सकारात्मक मत? 9, और महासभा कितने से पास कर दे? 2/3। अब दे देगा कि 9 में 5 अस्थाई सदस्यों का शामिल होना आवश्यक है कि नहीं? तो अभी क्या बताया गया था, आवश्यक है कि नहीं है, यानी कि 5 अस्थाई और अस्थाई में से कम कितने? 4। ये मिलकर पक्ष में वोटिंग दे कि इनको निलंबित किया जाए और महासभा उस प्रस्ताव पर अनुसमर्थन करे। तो कितने प्रस्ताव से अनुसमर्थन करे? 2/3। तब जाके कोई देश क्या हो सकता है यूएनओ से? सस्पेंड। आपका अनुच्छेद 6 देखिए, यूएनओ से किसी देश का निष्कासन करा दीजिए, किसी देश को बाहर करा दीजिए। तो आखिर आधार यहाँ पूछ सकता है भाई, आधार ये पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से किसी सदस्य को कैसे निष्कासित किया जाता है, यानी कि या किस आधार पर निष्कासित किया जाता है। अब कैसे किया जाएगा, तो प्रस्ताव तो वैसे ही पास होगा जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन आधार यहाँ पूछ सकता है कि यूएनओ के किसी मेंबर को यूएनओ से निष्कासित कर दिया जाए, तो किस आधार पर निष्कासित किया जाता है,